भोजपुरी सिनेमा में बॉक्स ऑफिस किंग और बॉक्स ऑफिस क्वीन कौन है ये आप जानना चाहते हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर वन हीरो और नंबर वन हीरोइन का ताज इन दिनों किस पर सजा हुआ है। जी हाँ, हम जानते हैं, आप सभी ये जानने के लिए बेताब होंगे क्योंकि अब धीरे धीरे ही सही 2018 जाने वाला है और 2019 आने वाला है, क्योंकि ये साल जाने में महज अब 4 महीने रह गए हैं। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि इस पूरे साल में अगर बॉक्स ऑफिस पर किसी ने झंडा गाड़ा है एज अ हीरो तो वो है खेसारी लाल यादव और हीरोइन के तौर पर काजल राघवानी। जी हाँ, इन दोनों की आई ज़्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं और बॉक्स ऑफिस इनकी फिल्मों के कमाई से गुलजार रहा है। ये बात नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर पवन और निरहुआ की फिल्में चली ही नहीं। ये आपको बता दें कि पवन सिंह की माँ तुझे सलाम और निरहुआ की सिपाही बॉर्डर जैसी कई फिल्में आई और बॉक्स ऑफिस पर चली भी, लेकिन खेसारी लाल यादव की हर फिल्म ने धमाकेदार बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग भी ली और चली भी, जिसके कारण और स्टार के मुकाबले खेसारी लाल यादव की फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है और धड़ाधड़ उनकी लगातार कई फिल्में रिलीज भी हुई हैं। और इस साल पवन सिंह की वांटेड माँ तुझे सलाम बलमुआ तोहरे खातिर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। लेकिन पवन सिंह की कई ऐसी फिल्में हैं जो अभी रिलीज होने के कागार पर है। ये बात और है कि साल का अंत आते आते शायद ये आंकड़ा पूरी तरह से बदल जाए, खेसारी की जगह पवन या निरहुआ नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हो जाए और काजल राघवानी की जगह आम्रपाली या फिर अक्षरा। लेकिन अक्षरा की बात करें तो अक्षरा के पाले में अभी कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है, जो भी है एक आध फिल्में वो छोटे बजट की ही है। सो आम्रपाली और काजल में ही नंबर वन होने की कड़ी टक्कर होगी। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो नंबर वन की कुर्सी अभी भी पवन सिंह के हाथों है। जी हाँ, भले ही पवन सिंह की ले देकर इस साल 2 से 3 फिल्में ही रिलीज हुई हो बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन 3 में से एक फिल्म बलमुआ तोहरे खातिर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन वांटेड और माँ तुझे सलाम ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और दोनों की कमाई बेजोड़ रही है और दोनों फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद भी आई हैं। इसलिए ये नंबर वन की कुर्सी पे खेसारी और पवन सिंह दोनों का हक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि खेसारी ने बैक टू बैक इस साल काफ़ी हिट फिल्में दी हैं और उनकी फिल्में जितनी रिलीज हुई है न पवन की और न निरहुआ दोनों की उतनी फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं जितनी खेसारी की हुई है, और खेसारी के लिए संघर्ष गोल्डन बटन के समान फिल्म बनकर आई है। जी हाँ, इस फिल्म की तारीफ हर जगह हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भोजपुरी जगत में नंबर वन की कुर्सी भले ही लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के हिस्से इस वक्त है, लेकिन साल अभी अंत होने में 4 महीने बाकी है। ये देखना गौरतलब होगा कि अंत तक ये कुर्सी किसके हिस्से आती है, पवन या फिर निरहुआ या फिर खेसारी लाल यादव का ही कब्जा इस पे जमा रहता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।